So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, welcome to the second session of Flutter course. इस वीक का जो हमारा एजेंडा था वीक वन का वो ये टॉपिक्स क्लियर करने थे. उनमें हमारे पास जो कुछ बेसिक यूआई था जो कि हम बहुत सारी चीज़ें कल डिस्कस कर चुके हैं. हमारा जो प्लान है वो ये है कि हमने प्रोजेक्ट बेस्ड चलना है. प्रोजेक्ट बेस्ड ये कि आपको रियल सीनेरियोज का पता चलता है और रियल यूज जब आप देखते हैं तो चीज़ें आपको याद रहती है. अदरवाइज अगर थ्योरी पे चलते रहे तो 3 हफ्ते अगर हम थ्योरी पे भी काम करते तो तब भी थ्योरी खत्म नहीं होगी. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग अहेड विद द विद प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क. सही है. सो कल हमने एक एप्लीकेशन बनाया था छोटा सा काउंटर एप्लीकेशन जो कि सिंपल. जब इनिशियली प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यही सेम एप्लीकेशन का कोड आपके पास आ जाता है. सो हमने यही सेम एप्लीकेशन दोबारा से भी क्रिएट किया था. सही है. इसका कोड रिमूव करके स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप हमने ये क्रिएट किया था. तो आप में से जिसने सेशन मिस किया है तो वो कल वाला सेशन दोबारा से यूट्यूब पे हमने पोस्ट किया हुआ है, वो दोबारा से एक नज़र देख सकते हैं. अदर देन दैट हमारा आज का जो एजेंडा है उसमें हमने दो एप्लीकेशन बनाने हैं. एक हमारे पास सिंपल क्विज एप्लीकेशन है एंड सेकंड वन हमारे पास कुछ मिड लेवल का यूआई हमने बनाना है जो रियल सिनेरियोस में. सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट वी आर गोना डू इज दिस वन, एक क्विज एप्लीकेशन है. इसमें हमारे पास क्वेश्चन होंगे. सही है. उसके जस्ट टू ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स. सही. अगर आपके क्वेश्चन सही आंसर करते हैं यहीं से कोई, सही है, तो यहाँ पे नीचे टिक आएगा, अदरवाइज क्रॉस आएगा. सही है. तो यही एप्लीकेशन हमने आज बनानी है. सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन वी विल बी बिल्डिंग टुडे. एंड द अदर वन इज दिस वन. ये कुछ सिंपल सा यूआई है बट इसमें चीज़ें कुछ ज़्यादा हैं. इस वजह से हम ये बना रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि हमने मुख्तलिफ टाइप के डिज़ाइन किस तरह बना सकते हैं, किस तरह डिफरेंट लेआउट्स को कम्बाइन करके हम एक डिज़ाइन बनाएंगे अपना. सही. सो ये दो प्रोजेक्ट्स आज हमारे एजेंडा में है, इसको हम बिल्ड करते हैं. सो स्टार्टिंग विद दिस वन. सही. अच्छा, जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, तो सबसे पहले उसका यूआई समझने की ज़रूरत होती है कि आपको यूआई की समझ आ रही है कि यूआई का जो लेआउट है उसको आपने कैसे ब्रेक डाउन करना है. सही. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन यूर लेआउट. सही. आप उसको डिफरेंट छोटे छोटे विजिट्स में ब्रेक डाउन कर लें, तब आपको जब इस तरीके का आप समझ लें. यही सबसे जो डिफिकल्ट स्टेप है यही होता है कि आप जो लेआउट को ब्रेक डाउन कर सके कि मैंने ये लेआउट किस तरह बनाना है. अब ये वाला लेआउट है, इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ. सही है. अच्छा, सबसे पहले हम इस यूआई को अंडरस्टैंड करते हैं. अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट विजिट है, यहाँ पर दो बटन्स हैं और नीचे हमारे पास क्या है, रो ऑफ टिक एंड क्रॉस आइकन्स है. सही है. सो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है तो मेरे ख्याल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में फिर लिख सकते हैं. यहाँ चीजें समझ लें तो ये बेहतर है. सही है. सो यहाँ पर देखें हमारे पास अब क्या होगा, ये देखें ये हमारे पास जितने भी विजिट्स हैं ये वर्टिकली अलाइंड है. सही है ना. तो अब हमें क्या चाहिए होगा इसके लिए, एक कॉलम चाहिए होगा वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए. इसका लेआउट वर्टिकल में अलाइंड है तो क्या होगा, स्टार्ट में हमारे पास एक कॉलम होगा. सही है. कॉलम के अंदर हमारे पास ये एक टेक्स्ट विजिट है, एक टेक्स्ट विजिट होगा, फिर हमारे पास ये दो बटन्स हैं, दो बटन्स होंगे. सही है. अब अगर आप ये टिक एंड क्रॉस को देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड है सारे. सही है. तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम एक रो यूज करेंगे. क्लियर. सो हमारा लेआउट किस तरह बनेगा, स्टार्ट में एक कॉलम होगा, कॉलम के अंदर टेक्स्ट विजिट्स एंड उसके अंदर फिर दो बटन्स, फिर हमारे पास एक रो ऑफ टिक एंड क्रॉस आइटम होगा. सही है. सो ये हमारा लेआउट है. सही. सो अभी हम आते हैं रियल सिनेरियोस, उसको बिल्ड करते हैं. इस एप्लीकेशन को हम दोबारा से रिबिल्ड करते हैं. सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रन कर देता हूँ ताकि उस टाइम तक हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो जाए. अच्छा, तो इस कोड की तो हम कल हमें समझ आ गई थी. आज मैंने एक नया एप्लीकेशन क्रिएट किया है क्विज ऐप के नाम से. सही है. सो मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ और जो स्टेप्स हमने कल फॉलो किए थे वही एग्जैक्टली स्टेप हम दोबारा से फॉलो करते हैं ताकि एक बार फिर दोबारा से रिपीट हो जाए. सही है. तो हमने स्टार्ट करना है इम्पोर्ट. आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इम्पोर्ट करें यहाँ पर. अच्छा, यहाँ पे असल में वो बिल चल रहा है तो यहाँ पे सही मटेरियल की जो लाइब्रेरी है वो आपने इंपोर्ट करनी है. सही है. मटेरियल विजिट्स की एंड देन हमारे पास क्या है,
void main, main से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है एंड देन रन रन ऐप एंड रन ऐप में हमने अपना ऐप मेंशन करना है कि हमने कौन सा एप्लीकेशन रन करना है, सही। तो हमारा हमने अभी तक कोई विजिट नहीं बनाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एप्लीकेशन बनाते हैं माई ऐप एंड यही माई ऐप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सही। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, सही है। यहाँ तक हमारा एक एप्लीकेशन बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या रिटर्न करना है, यहाँ से एप्लीकेशन का विजिट, सही है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, मटीरियल ऐप एंड कुपर्टिनो ऐप, सही है। बट राइट नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द सॉरी मटीरियल ऐप, और उसको आपको मैंने बताया था कि कुपर्टिनो ऐप में क्या होता है और मटीरियल ऐप में क्या होता है। असल में ये दो डिफरेंट विजिट्स के दो डिफरेंट आप समझ लें कि दो दो डिफरेंट सेक्टर्स हैं। कुपर्टिनो जो हमारे पास है वो iOS के लिए है, स्पेसिफिकली वो एप्पल ने बिल्ड किए हुए हैं, और जो मटेरियल आइकन है ये एंड्रॉइड के हैं और गूगल ने इसको बिल्ड किया हुआ है, सही है। सो मोस्टली जो विजिट्स हैं जो iOS में भी आप यूज कर सकते हैं मटेरियल्स हैं, एंड कुपर्टिनो के आप एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हैं, सही है। बट कुछ स्पेसिफिक विजिट्स होते हैं जो हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं अलग अलग से। सो राइट नाउ मोस्टली अगर हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वी स्टार्ट विद द मटेरियल एप्लीकेशन, सही है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास टाइटल होगा, टाइटल हम देते हैं इसको क्विज ऐप, एंड देन यहाँ पर इसकी इसका होगा होम, सही है। अब होम में अपने हमने अपना होम स्क्रीन डिफाइन करना है, सही है। अच्छा अब ये था हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने कल डिस्कस किया था, अगर किसी ने मिस किया है तो वो दोबारा से वीडियो जाके देख सकते हैं, सही है। तो ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, सही है। अच्छा अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर ट्रेंड है जो आपने फॉलो करना है, सही, जो आपको मैं बताऊंगा आप कोशिश करें कि आप वही फॉलो करें, क्योंकि उसको सेट करने है, उसको सीखने के लिए हमें बहुत टाइम लगा है, सही है। तो आपको दोबारा से सीखने की जरूरत नहीं है, जो तरीका आपको मैं बताऊंगा आप वही फॉलो करें राइट नाउ, सही है। जब आप आगे लेवल पे जाएंगे, मतलब एडवांस लेवल पे आप खुद जाएंगे, तो आप चीज़ों को खुद चेंज कर सकते हैं, सही है। तो जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपने रखना है लिब के अंदर, आप क्या रखेंगे, दो डायरेक्टरीज रखेंगे आपने, एक कोर, सही है, एंड सेकेंड वन क्या होगा, सेकेंड वन होगा यूआई, सही है। अब यूआई में हमारा सारा यूआई का काम यूआई में होगा, सही है। अब यूआई के अंदर आपने एक और फोल्डर बनाना है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन, सही है। स्क्रीन मतलब यहाँ पे आपके स्क्रीन होंगे सारे, सही। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट टाइम जो हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट क्लियर किया था वो सारे विजिट्स मैंने यहीं पर बनाए थे, सही। बट आपने एक ही फाइल में सब कुछ नहीं करना, उसको डिवाइड करना है डिफरेंट फाइल्स के अंदर, सही है, क्योंकि उस कोड को फिर बाद में ऑप्टिमाइज करना, वो आप हमारे पास एक्चुअली वो ऑप्टिमाइज रहता है, सही। आपका सारा कोड सेक्शन में डिवाइड होता है, उसको आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, सही है। तो उस कोड को बाद में मेंटेन करना सिंपल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डार्ट फाइल बनाते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ होम स्क्रीन, सही है। अच्छा जो नेमिंग कन्वेंशन आप लोगों ने फॉलो करने हैं, नेमिंग कन्वेंशन का मतलब ये है कि आपने डायरेक्टरी को कैसे नेम करना है, सही, आपने फाइल को क्या नेम देना है, सही है, या आपने क्लास को क्या नेम देना है, वो मैं शेयर भी कर दूंगा आप सबसे। बट एनी हाउ आपको दोबारा से बता दूं, फाइल एंड फोल्डर अगर है, अगर आप फाइल का नाम है या फोल्डर का नाम है, सही है, तो आपने क्या रखना है, स्मॉल में, और अगर दो वर्ड्स हैं तो उसको अंडरस्कोर से डिवाइड करना, जिस तरह मैंने यहाँ पे होम अंडरस्कोर स्क्रीन किया हुआ है, सही है। तो आप लोगों ने इसका नाम कुछ इस तरह रखना है। तो ये एक फाइल हमने क्रिएट कर ली, कहां पर, स्क्रीन्स के अंदर, सही। अच्छा अभी हमने यहां पर एक फाइल क्रिएट कर दी स्क्रीन के नाम से, और यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंपोर्ट करूंगा मटेरियल, ये वही एग्जैक्टली सेम काम है, बट मैं उसको डिफरेंट फाइल में कर रहा हूं, जिस तरह हमने वहां पे किया था। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक स्टेटलेस विजिट बनाता हूं, उसको मैं नाम देता हूं होम स्क्रीन, सही है। अब हमारे पास एक होम स्क्रीन बन गया, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको क्या नाम दूंगा, कौन सा विजिट, होम स्क्रीन का, तो वो आपने ऊपर जाके इंपोर्ट भी करना है यहाँ पर, ये देखें होम इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, सही है। यहाँ से अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा तो आप अल्ट इंटर दबाएंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि डू यू वांट इंपोर्ट दिस फाइल, तो वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, सही है। सो दिस इज क्विज ऐप, तो यहाँ तक हमारा होम स्क्रीन बन गया है, सही है। यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, स्केफल्ड यूज करना चाहें स्केफल्ड यूज करना है, स्केफल्ड इज बेहतर, सो आप वही यूज करें। तो स्केफल्ड में हमारे पास होता है ऐप बार,
अब हम इस यूआई में देखते हैं कि इस यूआई में हमारे पास ऐप बार है या नहीं है। इस यूआई में हमारे पास ऐप बार नहीं है, सो राइट नाउ हमें ऐप बार यूज करने की भी जरूरत नहीं है। सो ऐप बार हमें नहीं चाहिए, सही है। हमने जस्ट क्या करना है, जो बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड का कलर हमने ये डार्क थीम रखना है इसमें, सही। सो बैकग्राउंड का कलर मैं रखता हूँ यहाँ पर स्केफोल्ड है ना, तो स्केफोल्ड का आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, सही है। बैकग्राउंड कलर एंड सो मैं कलर्स डॉट इसको ब्लैक करता हूँ, लेकिन हल्का ब्लैक, ब्लैक 26, सही है। स्केफोल्ड में को मैंने कलर दे दिया, इसका भी हमने करना है, बाकी काम हमने बॉडी एरिया में करना है, सही है। अच्छा यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ पर अभी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक कॉलम होगा टॉप पे, सही है। कॉलम के अंदर क्या होगा, एक टेक्स्ट विजिट होगा, सही है। फिर हमारे पास दो बटन होंगे और फिर रो ऑफ आइकन होंगे, सही है। यही स्ट्रक्चर अभी हम यहाँ पर बनाते हैं, सही है। सो कॉलम, कॉलम के अंदर हमारे पास होते हैं चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन में हमारे, अब मैं यहाँ पे कमेंट कमेंट्स करता हूँ, सही है। स्टार्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास था कॉलम, सही है। अब कॉलम के अंदर क्या होगा, एक हमारे पास क्वेश्चन का जो टेक्स्ट विजिट है वो होगा, सही है। फिर हमारे पास उसके बाद क्या होगा, फिर हमारे पास एक हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हमारे पास दो बटन है, ट्रू बटन एंड फॉल्स बटन, सही है। तो फिर हमने क्या बनाना है, ट्रू बटन बनाना है, सही है। फिर हमारे पास क्या होगा, फॉल्स बटन होगा, सही है। एंड फिर हमारे पास रो ऑफ टिक एंड क्रॉस आइकन्स, यही हमारा मेन स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर अभी हमने बनाना है इसके अंदर। अभी यहाँ पर कुछ स्पेसिंग है, सही है ना, यहाँ पर भी कुछ स्पेसिंग है, तो वो हम स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, सही है। स्पेसिंग अभी इसमें हम एडजस्ट करते हैं। सो लेट मी रन दिस एप्लीकेशन अगेन। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक्स्ट विजिट है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक असल में यहाँ पर जो आपको ग्रीन नजर आना ये कमेंट है, इसको हम डॉक कमेंट बोलते हैं, सही है। तो अगर आप थ्री स्लैशेस लगाते हैं तो आपका जो ग्रीन ग्रीन आउट हो जाए, तो आप रिकमेंडेड ये है कि आप यही यही यूज करें, सही है। अच्छा तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक टेक्स्ट विजिट चाहिए जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन होगा, सही है। अच्छा इसके बाद हमें एक बटन चाहिए यहाँ पर, सही है। तो बटन कल हमने डिस्कस नहीं किए थे, सही है। तो बटन हम आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सही है। अब बटन हमारे पास जो फ्लटर में हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बटन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें रेस्ड बटन है, फ्लैट बटन है, आइकन बटन है, सही है। जो आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, सही। अब यहाँ पर अगर देख रहे हैं, ये बटन हमें थोड़ा सा 3D टाइप लग रहा है, मतलब रेस्ड टाइप लग रहा है, सही। तो यहाँ पर हम कौन सा बटन यूज करते हैं, रेज बटन यूज करते हैं। बाकी सबका जो है ना वो सिंटैक्स सेम है, सही है। बट जस्ट वो डिजाइन का थोड़ा सा चेंज है। अगर कोई बटन आपकी मर्जी का नहीं है तो आप खुद से अपना बटन भी बना सकते हैं कंटेनर को यूज करते हुए। कल हमने कंटेनर यूज किया था ना, उसको यूज करते हुए अपना बटन बना सकते हैं, सही है। अगर आपने उससे भी ज्यादा कस्टमाइज करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर है और आप अपने पिक्चर की एक बटन बना लें, तो वो भी पॉसिबल है, सही है। बट उसके लिए आपको एडवांस लेवल पे जाके काफी सारी चीजें सीखनी होती है, कस्टम नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये कूलर पड़ा हुआ है, आपका बटन ये कूलर के शेप का हो, तब उसको भी बना सकते हैं, इसमें कस्टम खुद से बना सकते हैं, कोई इमेज ना यूज करते हुए आप कस्टम डिजाइन करके उसको बना सकते हैं। कोई भी डिजाइन आप इसमें पॉसिबल है, इसमें बना सकते हैं, सही है। बट उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, कस्टम पेंटर बोलते हैं, तो वो एडवांस की चीजें हैं, वो उसको जाके आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, बट पॉसिबिलिटी है कुछ भी बनाने की, सही। अगर आपको कस्टम बटन चाहिए तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। सो हम ज्यादा उस लेवल पे नहीं जाते हैं, बट एनी हाउ अब हमारे पास बटन है, तो उसके अंदर हमारे पास ऑन प्रेस का एक फंक्शन कॉल बैक होता है, सही है। तो इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरह, सही है। राइट नाउ मैंने इसके अंदर कुछ दिया नहीं है, बट यहाँ पे राइट नाउ कुछ भी प्रिंट नहीं है। या चलो करते हैं इसको, मैं प्रिंट करता हूँ थ्रू बटन। अच्छा इसके अंदर ये एक तो हमारे पास ये ऑन प्रेस्ट का फंक्शन है, कॉल बैक है, सही है। ऑन प्रेस्ट की प्रॉपर्टी है, बटन के अंदर हमारे पास होती है चाइल्ड की प्रॉपर्टी, सही है। अब चाइल्ड में हम क्या देंगे, इसको हम टेक्स्ट दे देते हैं, सही है। टेक्स्ट हमने क्या देना है, ट्रू,
क्लियर। तो हमने यहाँ पर एक बटन बना दी, कौन सी वाली बटन, ट्रू। अभी इसी को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करके एक नया इसको मैं फॉल्स बटन भी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ये ट्रू बटन हो गई है और ये हमारे पास फॉल्स बटन। हाँ सही है, हो जाएगा। ये ले सही, ये भी हो गया सही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने क्या बनाना है, टिक एंड क्रॉस की आइकन्स की एक रो जो है, सही है। अब हमारे पास ये कॉलम है, तो कॉलम के अंदर हम दूसरे कॉलम्स भी यूज कर सकते हैं और कॉलम के अंदर मल्टीपल रोज भी यूज कर सकते हैं। रो के अंदर फिर आप दोबारा से कॉलम लगा सकते हैं, सही है। आप जितना इसको नेस्टेड करना चाहें इसको आप नेस्ट कर सकते हैं, सही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रो का विजिट यूज करेंगे, सही है। एंड रो में हमारे पास चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन में हमारे पास क्या होंगे, आइकन्स होंगे, सही है। आइकन एंड आइकॉन्स डॉट, एक हमारे पास चेक है, ये टिक का हो गया। एंड ओके, इनसफिशिएंट स्टोरेज है इसमें, फिर मैं इसको थोड़ा सा कुछ ऐप्स यूज कर देता हूँ। ओके इसको दोबारा रिव्यू करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन भी साथ साथ रन हो जाए, तो ताकि फिर हम वहाँ पे चेंज करें तो आसानी हो, सही है। तो अभी हमने यहाँ पर एक चेक का आइकन दिया है, सही है। अभी हम एक और आइकन यहाँ पे डालते हैं, उसको मैं क्या कहता हूँ, आइकन डॉट कैंसिल, कैंसिल आइकन है मेरा ख्याल में, ये आपके पास आइकन डॉट आई थिंक कैंसिल का ही है, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास चेक एंड क्रॉस के हमने दो आइकन डाल दिए हैं, सही है। इस आइकन हमको इस आइकन को हम चेंज करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस एप्लीकेशन रन फर्स्ट, सो देन वी आर गोना चेंज इट एज वेल। तो यहाँ तक हमारा जो मेन स्ट्रक्चर था वो बन गया है एप्लीकेशन का, सही है। अब इसकी हमने डिजाइनिंग करनी होगी थोड़ी सी, सही है। हमारा एप्लीकेशन रन हो जाए फिर हम इसको डिजाइन करते हैं दोबारा से। सो यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो बताएं, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन करें। इजी है, सही है। आपको मैं इजी करके बताया, इस वजह से इजी है। चले सही है, अगर आपको इजी लग रहा है तो वेल एंड गुड, बेहतर है। असल में कंपैरेटिवली हम जब फ्लटर में काम करते हैं, यूआई बनाते हैं, और अगर आप जाके फिर एंड्रॉइड नेटिव में काम करते हैं, अगर आप किसी ने एंड्रॉइड नेटिव में काम किया हो तो उसको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि अगर हम वहाँ पे यूआई बनाते हैं तो उसको फिर मैनेज करना, सही है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, आप में से शायद आप लोगों ने काम किए हो एंड्रॉइड में, कोई कोर्स है आप लोगों का, अच्छा आप लोगों का कोर्स नहीं है, सही है। सो एनी हाउ दिस इज लॉट इजियर देन एंड्रॉइड नेटिव में अगर आप यूआई बनाते हैं। अच्छा अभी हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन रन हो चुका है, बट आप देखेंगे कि जो हम बनाना चाहते हैं वो तो नहीं है हमारे पास, वो तो कुछ और नजर आ रहा है। अब ये देखें, सही है, हमारा यूआई वो बन गया है बट आपको कुछ नजर नहीं आ रहा इसमें, सही है। और उसकी वजह ये है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँगा आपको, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल कलर डॉट वाइट, एंड चलिए इसको भी मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ, कलर्स
ये जो आइकन्स हैं आपके पास मटेरियल आइकन्स, जिसके आप कलर चेंज कर सकते हैं, सही है। कलर्स डॉट वाई, इसको मैंने व्हाइट कलर दे दिया है, एंड कलर अच्छा। अब यहां पर देखें ये चीजें समझे, सही है। अब ये देखें हमारे पास सब कुछ सही आ रहा है, बट अब क्या हो रहा है, अब आपके पास ऊपर जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार जहां पे आपको ये जो वाईफाई का वो आइकन नजर आता है और टाइम वगैरह, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं, सही है। अब अगर आप हमारा जो जो हमारे जो विजेट्स हैं वो स्टेटस बार के ऊपर आ रहा है, सही है। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है हमारे एप्लीकेशन का, वो स्टेटस बार पे ना आए, स्टेटस बार से नीचे आ जाए हमारा कंटेंट, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप स्केफोल्ड है ना, इसको आप रैप कर लें एक और विजिट के अंदर, इसको हम बोलते हैं सेफ एरिया। अब जब सेफ एरिया में इसको रैप करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, आप देखें स्टेटस बार से हमारा जो कॉन्टेंट है वो नीचे आ गया है, सही है। स्टेटस अभी अभी तक हमारा जो कंटेंट था वो स्टेटस बार पे आ रहा था, सही है। तो स्टेटस बार से हमने उसको नीचे, हम उसको नीचे ले आए हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा दूसरा जो हमने करना है काम वो क्या है, यहाँ पर टॉप पे एंड बॉटम पे इसको कुछ पेयरिंग मिली हुई है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की स्टाइलिंग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इसको हम टॉप एंड बॉटम से हमने कुछ पेयरिंग देनी है, सही है। अच्छा, तो इसका बेहतर तरीकाकार क्या है हमारे पास, उसी को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट विजिट है इसको मैं टॉप से पेडिंग दे देता हूँ, सही है। इसको हम किस तरह पेडिंग दे सकते हैं, इसको हम रैप कर सकते हैं पेडिंग विजिट के अंदर, सही है। अगर कहीं पे आपने पेडिंग देनी है आप उसको रैप कर लें पेडिंग विजिट के अंदर। यहाँ पर मेरे पास फिर वो रैप ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा था वहां पर, सो इस वजह से आई यूज दिस पे। अच्छा, पेडिंग एज इनसेट्स डॉट ओनली, अब ओनली में ये होता है कि आपने कहाँ पे देना है, टॉप पे, तो मुझे टॉप पे मैं रखता हूँ इसको, लेट सपोज इसको मैं रहता हूँ 50 pixels, इसको मैंने टॉप से पेडिंग दे दी है, सही है। मैंने जस्ट क्या किया, इसको एक रैप विजिट के अंदर, पेडिंग विजिट के अंदर रैप किया है। अगर आपने किसी विजिट को पेडिंग देनी है तो आप उसको पेडिंग का विजिट है उसको उसके अंदर रैप कर लें, सही है। तो आपको पेडिंग का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसको जब मैंने टॉप से पेडिंग दी है, अभी देखें ये टॉप से इसको पेडिंग मिल गई इस विजिट को, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, सही है। अब हम क्या करते हैं, टॉप से जो पेडिंग दी है इसको, ये थोड़ी कम है, इसको 100 कर देते हैं, एंड देन वी सी, मेरा ख्याल में अभी अच्छा, अभी हमारे पास ये जो एप्लीकेशन है इसमें हमारे, हमें एग्जैक्ट अब नहीं पता कि टॉप से कितनी पेडिंग मिल रही है इसको, बॉटम से कितनी पेडिंग मिल रही है, सो दैट्स व्हाई अब हम यहाँ से कोई फाइनल पेडिंग यहाँ से नहीं दे सकते। जब आप एक्चुअली डेवलपमेंट करते हैं तो अब आपके पास जो है ना XD में डिज़ाइन होता है, XD में, फिग्मा में या स्केच में आपके पास डिज़ाइन होता है, सही है। ये डिज़ाइनिंग के टूल्स हैं, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप एक एक पैरामीटर देख सकते हैं कि टॉप से इसकी पेडिंग कितनी है, लेफ्ट राइट साइड इसकी पेडिंग कितनी है, सही है। ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं, बट राइट नाउ हमारे पास नहीं है, तो हम गैसेस पे जाके इसको कोई टॉप एंड बॉटम पेडिंग देंगे, सही है। इसको मैंने टॉप से 100 पेडिंग दे दी, सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर नाउ। अब हम आते हैं इसकी कुछ स्टाइलिंग पे। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं, सही है। स्टाइल तो हमने ऑलरेडी इसको कलर दिया हुआ है, अब इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट साइज करते हैं, उसको हम करते हैं 20 एंड देन फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट में हम क्या कर देंगे, फॉन्ट वेट डॉट, सही है। अब यहाँ पर आपके पास फॉन्ट वेट के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसमें बोल्ड भी है, सही है। अब हर एक जो हमारे पास फॉन्ट वेट है ना, इसकी इसकी वैल्यूज होती है, सही है।
अब 500 जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्या है, ये देखें ये मीडियम फॉन्ट है, सही है। इसी के साथ साथ आपके पास जो ये जो 600 है ये हमारे पास सेमी बोल्ड है। अब ये 900 जो है ये ब्लैक एंड मोस्ट थिक है। अब 800 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा बोल्ड, एंड 700 हमारे पास एक्चुअली वो बोल्ड की वैल्यू है। अब इसको बाई वैल्यू भी देख सकते हैं हम, सही है। तो इसको मैं क्या करूँ, इसको फॉर टाइमिंग मीडियम कर देता हूँ, सही है। सो फॉन्ट हमारे पास अभी राइट नाउ मीडियम फॉन्ट है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अगर आप लोग यहां पर देख लें कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसके बाद हमारे पास जो बाकी कंटेंट है ये बिल्कुल डाउन एंड पे चला गया है, बिल्कुल एंड पे चला गया है। सो अब अगर मैं इसको यहां से पेडिंग दूंगा, मतलब इसको मैं कोई वैल्यू देता हूँ, सही है। यहाँ पर इसको मैंने टॉप पेडिंग दी है ना, यहाँ पर आप बॉटम पेडिंग भी दे सकते हैं इसको, सही है। बट बॉटम पेडिंग में अब मुझे ये पता, ये नहीं पता अब ये जो करंट फोन जिस पे ये रन हो रहा है एप्लीकेशन, सही है। अब इसको देखते हुए इसको अगर मैं पेडिंग दे दूँ तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। बट इसी सेम एप्लीकेशन को अगर आप किसी और फोन पे रन करते हैं तो उसमें या तो ओवरफ्लो होगा या ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ये साइजिंग इसकी कॉन्स्टेंट होगी, स्टेटिक होगी, सही है। तो स्टेटिक साइज देने के बजाय इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डायनेमिक साइज देंगे कि किसी भी फोन पे चले तो आपके जो बाकी जो कंटेंट है वो बिल्कुल एंड पे आ जाए, सही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक और विजेट डालते हैं स्पेसर, सही। अब स्पेसर का क्या क्या काम होता है, स्पेसर का काम ये है कि जितनी आपके पास स्पेसिंग है उसको उसको वो एक्वायर कर लेती है, सही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मेरे ख्याल में आपको सही समझ आएगी, यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करें उसकी वजह से आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बेहतर है, सही। और अगर कोई पर्सनल बात है तो आप बाहर जाके कर सकते हैं, सही। सो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, स्पेसर विजेट, ये बहुत जरूरी है, सही है ना। ये अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो बाद में फिर आपको चीजों की समझ नहीं आएंगे, आपके फिर बार बार क्वेश्चन होंगे, सही है। तो ये समझना जरूरी है यहाँ पर, अगर आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो वो करें आप लोग, सही है। तो स्पेसर विजेट का काम क्या है कि हमारे पास जो स्पेसिंग है, अब हमारे पास यहाँ पर मैंने स्पेसर विजेट दिया हुआ है तो स्क्रीन पे जितनी स्पेसिंग है, ये जो क्वेश्चन और बाकी जो कंटेंट है उसके अलावा, तो वो सारा स्पेस वो एक्वायर। इसको भी मैं हार्ड रीस्टार्ट करता हूँ, अच्छा कहीं भी हमने इशू किया हुआ है, कहाँ पे एरर है, अच्छा ये इसको सेव करते हैं, हार्ड डिस्क हार्ड रीलोड हो जाएगा। आप देखें बाकी कंटेंट हमारा बिल्कुल डाउन चला गया, इस दरमियान का एरिया है ये सारा किसने ले लिया है, स्पेसर ने ले लिया है, सही है। अभी अगर आप किसी भी स्क्रीन पे इसको रन करेंगे ना ये क्वेश्चन वहां पे आएगा और बाकी जो एरिया है ना वो बिल्कुल एंड पे आएगा, सही है, क्योंकि उसको हमने स्पेसर विजेट, अब ये डायनेमिक है कि किसी भी फोन पे रन होगा तो स्पेसर, अगर आप इसको इस मतलब अगर ये फोन है इसको हम हाफ कर दें, अगर आप उस पे रन कर दें तब भी ये एंड में आएगा और बाकी जितनी स्पेस रहती है स्क्रीन पे वो सिर्फ एक्वायर कर लेगा, सही है। सो इसको समझने की जरूरत है, आई होप सो कि इट्स क्लियर। सो स्पेस तो हमने दे दिया है उसको, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप ये बटन देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेच हुए हैं एंड तक, सही है, मतलब स्क्रीन के एंड तक स्ट्रेच हुए हैं। अच्छा अब इसके अलावा अगर आप लोग देख लें यहाँ पर ये साइड पे इसको थोड़ी पेडिंग मिली हुई है, जितना कंटेंट है सारे कंटेंट को साइड से थोड़ी सी पेडिंग मिली हुई है, सही है। तो हम क्या करते हैं इसको, ये जो पूरा कंटेंट है इसको हम थोड़ी सी पेडिंग देते हैं लेफ्ट एंड राइट से। तो हमारे पास ये कॉलम के अंदर है ना सारे, तो हर एक विजिट को अलग अलग से स्पेसिंग देने के बजाय, चले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्पेसिंग नहीं देते, स्पेसिंग की तरफ बात नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो बटन है इसको हम स्ट्रेच करते हैं एंड तक, सही है। तो इसको स्ट्रेच करने का तरीका क्या है हमारे पास, आपके पास जो अभी हमने इसको कॉलम में यूज किया हुआ है, तो कॉलम में हमारे पास अभी ये कॉलम का मेन एक्सिस वर्टिकल है और क्रॉस एक्सिस को क्या है, हॉरिजॉन्टल में। अब हॉरिजॉन्टली इसको हमने स्ट्रेच करना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच का हमारे पास एक ऑप्शन है,
ये आपके पास जो बटन से वो बिल्कुल एंड तक स्ट्रेच हो गए हैं, सही है। सो ये चीज भी क्लियर है। अभी जब इसको हमने स्ट्रेच किया है तो जब आप स्ट्रेच करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट अलाइन हो जाते हैं, सही है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है, सही है। सो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेंटर कर देंगे। ये आपका सेंटर में आ गया, सही है। अच्छा, जब हमने ये ट्रू फॉल्स बटन, अब ये देखें ट्रू एंड फॉल्स बटन पे प्रेस भी हो रहा है, सारा कुछ ये तो हो रहा है। अभी जो नेक्स्ट काम है ये देखें, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ी सी पेडिंग देनी है और पूरे एरिया को पेडिंग देनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक को अलग अलग पेडिंग देने के बजाय हम क्या करते हैं, पूरे कॉलम को पेडिंग दे देते हैं, सही है। तो इसको क्या करना है, पेडिंग विजिट के अंदर रैप करना है। अच्छा, अब ये जो एज इंसर्ट्स हैं इसमें हमारे पास अभी इसके बहुत सारे एज इंसर्ट्स, मतलब एजेस पे आपने जो वैल्यूज देनी है उसको हमारे पास जो है ना वो एज इंसर्ट्स है। अब इसके हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ओनली भी है, ऑल भी है, सिमेट्रिक भी है, फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम भी है, सही है। अब मैंने क्या करना है, लेफ्ट एंड राइट से इक्वल स्पेसिंग देनी है, तो उसके लिए मैं सिमेट्रिक यूज कर सकता हूँ, सही है। आप ओनली भी यूज कर सकते हैं, आप ऑल भी, आप जब ऑल होगा तो ऑल में क्या होता है, लेट्स सपोज को मैं जाता हूँ 30 पेडिंग देता हूँ मैं, तो ऑल में क्या होता है जितने भी साइड्स हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारे साइड्स पर 30 पेडिंग मिल जाएगी, सही है। अब ओनली क्या होगा, ओनली में जो आप मेंशन करेंगे टॉप से, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि लेफ्ट से इसको 20 पेडिंग है एंड राइट से इसको 20 पेडिंग है बाकी ना है, तो अब देखें इसको जस्ट लेफ्ट एंड राइट से 20 20 पेडिंग मिल जाएगी। अब यहां पर ये भी हमारा, जी जी, ये पूरे ओवरऑल एरिया को पेडिंग मिल रही है, ये पूरे कॉलम को पेडिंग मिल रही है, सही है। क्योंकि यहाँ पर डिजाइन में आप देखें ये जो पेडिंग है ना, ये इस बटन को भी मिली हुई है और इसको भी मिली हुई है, ये देखें यहाँ से भी इसको मिली हुई है, तो ये सारी पेडिंग सबको मिली है, सही है। सो दैट्स व्हाई हर एक को अलग अलग पेडिंग देने के बजाय हम पूरे कॉलम को पेडिंग दे रहे हैं। अगर आप एक और तरीका ये है कि आप इसको भी पेडिंग दे रहे हैं, इसको भी फिर पेडिंग दें, इसको भी फिर पेडिंग दें, तो एक लंबी तरीका है, सही है। आसान तरीका ये है कि आप पूरे कॉलम को पेडिंग दे रहे हैं। सो हमारे पास एक ऑप्शन ये, दूसरा हमारे पास सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक में ये है कि मतलब दो साइड्स पर आप सिमेट्रिक इक्वली, अब मैं करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में मैं कितनी पेडिंग देता हूँ इसको 20, तो मतलब दोनों साइड पे इक्वल पेडिंग आएगी इसमें। तो अगर आपकी लेफ्ट एंड राइट पे या टॉप एंड बॉटम पे इक्वल पेडिंग है तो आप फिर सिमेट्रिक यूज कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जो आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, सही है, आपके पास ऑप्शन है। सो पेडिंग का मसला भी हल हो गया है। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये बटन का साइज जो है ना वो थोड़ा सा हाँ कम है, सही है। इसका जो विड्थ है वो थोड़ा कम है, सही है। तो इस सॉरी विड्थ तो सही है, बट हाइट थोड़ा कम है, हाइट हाइट को हम एडजस्ट करते हैं। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये रेस्ट बटन है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये जो ये टेक्स्ट विजिट है इसको हम क्या देंगे, इसको हम पेडिंग दे देते हैं, सही है। इसको आप पेडिंग दे दें तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको भी सिमेट्रिक कर देते हैं, टॉप एंड बॉटम पेडिंग दे देते हैं। वर्टिकल इसको क्या कितना पेडिंग देते हैं, वर्टिकल वेट हम करते हैं इसको 10 पेडिंग। अच्छा, उसको आई थिंक 10 पेडिंग ऑलरेडी मिली हुई है, दूसरा इफेक्ट नहीं कर रहा उसको, 20 करते हैं इसको, सही है, क्लियर। तो अभी मेरा ख्याल के बटन का जो साइज है वो सही है, सही है। अब सेम हम क्या करते हैं, सेम पेडिंग हम दूसरे बटन को भी देंगे, सही है। बट बटन को पेडिंग देने के बजाय फर्स्ट ऑफ ऑल की तरफ जाने से पहले हमने इस बटन का कलर भी चेंज करना है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल भी चेंज करना है, सही है। तो हम सारा कुछ यहाँ पे करके फिर वहां पे इसी को कॉपी पेस्ट करके उसको फिर उसके पैरामीटर हम चेंज कर लेंगे। सो ये हमारे था फर्स्ट बटन। अब हमारे पास ये जो ट्रू टेक्स्ट है इसकी हम स्टाइलिंग भी करते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और स्टाइल में हम फॉन्ट साइज है फर्स्ट, फॉन्ट वेट यानी फॉन्ट वेट कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर देते हैं आप, सही है, बोल्ड बोल्ड लेना पड़ेगा। बाकी जब आपके पास जब एग्जैक्ट सेम आपके पास एक्सडी डिजाइन हो, फिग्मा या स्केच डिजाइन हो, तो उसमें आपके पास सारे पैरामीटर्स गिवन होते हैं, सही है। और ये चीजें डिफाइन करना हमारा काम नहीं, ये डिजाइनर का काम होता है, सही है। उसको फॉन्ट वेट दे दिया है, फॉन्ट साइज फॉन्ट फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 20 एंड
उसको फॉन्ट साइज दे दिया है तो बटन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, सही है, क्योंकि हमने पेडिंग भी दी है एंड इस पेडिंग को हम करके 15 कर देते हैं, सही है। और इसका कलर हमारे पास क्या है, कलर हमारे पास वाइट है। ओके, सो इसका कलर व्हाइट हो गया, जब कलर व्हाइट होगा तो हमें सही नजर भी नहीं आएगा। चलिए, इसका कलर व्हाइट हो गया है, सही है। सो टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग थी वो हमने कर ली, सही है, अंदर जो वो टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, बटन का, जो बटन के जो कलर है वो चेंज करना है। हमारे पास रेस बटन है ना, तो रेस बटन के अंदर कलर भी होता है उसका, सही है, सारे सारे बटन में कलर होता है, सही है। तो कलर डॉट ग्रीन कर लें इसको, हमारा वो बटन भी बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे वहां पर, सही है। अब आई थिंक जो लेफ्ट राइट पे पैडिंग है साइड्स पे वो थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे, तो उसको कम करके हम 10 कर देते हैं, सही है, अभी सही है। ओके, सो हमारे पास 2 का बटन रेडी है। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब आपको इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ये हमारा पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए फिर। तो हमारे पास एक और 2 का बटन आ गया, बट उसको हमने 2 नहीं करना, उसको हमने फॉल्स करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कलर रेड कर देंगे एंड देन फॉल्स और बाकी चीजें सेम है, जस्ट हमने ये फॉल्स बटन है, सही। अच्छा, ये तो हो गया है। अभी अगर आपको नजर आ रहा है इनके दरमियान स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है, सही है, उसको हमने कुछ स्पेसिंग देनी है। तो यहाँ पर अगर आपने जस्ट दो डिफरेंट चीज़ों के अंदर स्पेसिंग देनी है, तो एक ऑप्शन तो ये कि आप एक बटन, दोनों बटन को पेडिंग दे दें, उसके बजाय सिंपल ऑप्शन हमारे पास ये है कि आपको छोटी सी पेडिंग चाहिए तो आप साइज बॉक्स यूज करें, सही है, साइज बॉक्स इज अ बेटर ऑप्शन। इसको हम हाइट देते हैं, हाइट इसको हम 10 देते हैं, तो मतलब 10 हाइट ये ले लेगा, साइज बॉक्स ले लेगा, सही है। अब उनके अंदर हमारे पास थोड़ी स्पेसिंग आ गई है, क्लियर। अब दूसरा ये है कि ये बटन जो है और ये जो नीचे आइकन आपको नजर आए इनके दरमियान भी स्पेसिंग है, तो यहाँ पर भी ये सेम साइज बॉक्स हम कॉपी कर लेते हैं, सही है, तो उसको भी थोड़ी स्पेसिंग मिल जाएगी, सही है। अब ये क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वो बिल्कुल स्टैटिक है वही पर, और उसकी वजह ये है कि जो बाकी एरिया है ना इसको हमने डायनेमिक रखा हुआ, बाकी जो स्पेसिंग है स्पेसर यूज किया हुआ है, तो जितना स्पेस उसको मिल रहा है उतना स्पेस वो ले रहा है, सही है। ओके, तो यहां तक हमारा तकरीबन ये डिजाइन तकरीबन हो गया है कवर, क्लियर। अभी हमने जस्ट करना है टिक एंड क्रॉस को, रेड एंड उसके कलर चेंज करना है। तो टिक हमारे पास ग्रीन है तो उसको मैं ग्रीन कर देता हूं, और ये हमारे पास रेड है, सही है, सही। एंड ये इसका आइकन हमें चेंज करना है, ये मेरे पास आइकॉन्स डॉट, असल में सिस्टम मेरा काफी स्लो हो गया, चीजें रन हो रही है बार बार। अच्छा, इसका आइकन मुझे कहाँ से मिलेगा, कैंसिल आइकन तो था ये, क्लियर। क्लियर, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट डिजाइन था तकरीबन वो बन गया है, सही है। अभी अगर आप लोग देख लें यहाँ पर ये जो आइकन हैं, ये हमारे पास मतलब जस्ट 2 तो नहीं होंगे ना, काफी सारे होंगे, तो जब काफी सारे होंगे तो हम क्या करेंगे, डायनेमिकली हमने यहाँ पर ये वैल्यूज उसको देनी है पर, सही है। तो अभी हम आते हैं इसकी तरफ, आने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि हम प्रॉपर क्वेश्चन हमने यहाँ पर देना है, सही है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, सही है, क्वेश्चन का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर उसका आंसर भी होगा जो करेक्ट आंसर है, सही है। यहाँ पर तो हम हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर भी साथ में आएगा, बट आंसर को हम यहाँ पे शो तो नहीं करेंगे ना, बट हम क्रॉस मैच तो करेंगे कि आंसर इसने सही सेलेक्ट किया है या आंसर उसने गलत सेलेक्ट किया है, उसका आंसर क्या था, बूल में ट्रू था या फाल्स था। तो अगर उसने यहाँ, अगर आंसर भी उसका ट्रू था, उसने ट्रू सेलेक्ट किया है, तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। अगर उसका आंसर ट्रू था, उसने फाल्स सेलेक्ट किया है, तो मतलब उसने गलत आंसर किया, उसकी वजह से हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, सही। तो ये चीजें चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए,
हमें एक क्लास बनानी है क्वेश्चंस की, सही है? तो हम का क्या करते हैं, ये यूआई यूआई के फोल्डर के अंदर आपने जस्ट यूआई का काम ही करना है मोस्टली, सही है? अब हमारे पास कोर है तो बाकी काम हम कोर के अंदर करेंगे, सही है? कोर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मॉडल्स, सही है? डेटा मॉडल्स बोलते हैं उसको, सही है ना? आप क्लासेस बोल सकते हैं उसको, सही है? बट एक्चुअली जो रियल सिनेरियो हम देखते हैं उसको हम मॉडल्स बोलते हैं, बट स्पेशली अगर आपने जस्ट में डेटा रखना है उसको हम डेटा मॉडल बोलते हैं, सही है? राइट नाउ उसको जैसे हमने डेटा के लिए ही यूज करना है, मतलब उसमें हमने दो ऑब्जेक्ट्स ही रखना है, कोई खास उसको फंक्शनलिटी नहीं बनानी, सही है ना? पर हमारे पास जो क्लासेस भी थी मल्टीपल, आई थिंक आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन नहीं पढ़ा, आपको इतना आइडिया नहीं होगा, बट एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास फिर मॉडल में हमारे पास डेटा मॉडल्स होते हैं, सही है? और एक हमारे पास पूरे क्लास का बिहेवियर होता है। अब एक पर्सन है, अब एक गाड़ी है, कार है, तो कार में फिर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती है, उसका स्पीड भी होता है, वो गोइंग गोइंग फॉरवर्ड गोइंग बैकवर्ड, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सारा कुछ पढ़ा होगा, सही है? बट यहाँ पर हम वो चीज़ें नहीं कर रहे, हम जस्ट दो एक हमने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है उससे, सही है? इसमें दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसको फिर हम जस्ट डेटा मॉडल बोलते हैं। तो मॉडल्स हो गया, अब डाट फाइल उसमें हमने एक बनानी है, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, क्वेश्चन, सही है? क्लास का जो फाइल का जो नेम होगा वो क्या होगा, स्मॉल में, सही है? क्लास का जो क्लास का नहीं सॉरी फाइल का नेम आप लोगों ने क्या रखना है, फाइल एंड फोल्डर का नेम, ये असल में जो उसके कन्वेंशन है ये आप लोगों ने याद रखने हैं, सही है? और कन्वेंशन का फायदा फिर ये होता है कि अगर मैं आके देखता हूँ कि ये फाइल नेम मेरे तो मुझे अंदाजा हो जाता है इस फाइल के अंदर क्या होगा, सही है? मैं जब फाइल ओपन करता हूँ क्लास, मतलब जो कोड है इनिशियली, जो क्लास है उसका नाम है, तो उस क्लास के नाम से मुझे आइडिया होना चाहिए कि ये क्लास है या ये जस्ट एक वेरिएबल है, सही है ना? तो उसकी कन्वेंशन इसलिए हम फॉलो करते हैं। तो जो फाइल नेम्स हैं या फोल्डर नेम है वो स्मॉल में होंगे, और अगर दो वर्ड्स हैं, मोर देन वन वर्ड है, तो आपने अंडरस्कोर लगाना है साथ में। सो क्वेश्चन, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, सही है? और क्लास का नाम क्या होगा, कैमल केस। कैमल केस का पता क्या पता है आप लोगों को, सही है? हमारे पास जो कैमल केस ये होता है, एक हमारे पास है अपर के, मैं आपको बताता हूँ, अपर कैमल केस है, और दूसरा हमारे पास लोअर कैमल केस है, सही है? अब अपर कैमल केस में कैमल को देखा हुआ आपने, कैमल का बैक किस तरह होता है, अप एंड डाउन, सही है? हाँ, तो कैमल केस ये है कि अपर कैमल केस में ये होता है कि आपका जो स्टार्टिंग वर्ड है वो कैपिटल होता है, सही है? मैं अब क्या करना, सपोज मेरे नाम देना है क्या है, क्या नाम दूँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट टॉप से मैं स्टार्ट करता हूँ, ऑफ द ईयर, तो जो एक सिंगल वर्ड है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल आ रहा है, तो हम अपर कैमल केस बोलते हैं, सही है? फिर हमारे पास लोअर कैमल केस है, तो उसका फर्स्ट हम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, सही है? तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सही है? अब ये जो अपर कैमल केस है किसके लिए आप यूज करेंगे, क्लास नेम्स के लिए, क्लास नेम्स के जितने भी होंगे वो क्या होंगे, अपर कैमल केस में होंगे, और जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, सही है, एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस में होंगे, लोअर कैमल केस में होंगे, सही है? तो ये आप लोगों ने ये कन्वेंशन है ये फॉलो करना है आप लोगों ने, सही है? आई होप सो इट्स क्लियर। सो क्लास का नेम हमारे पास अपर कैमल केस में, सही है? जस्ट वन वर्ड है तो हमने अपर से स्टार्ट किया हुआ है, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग क्वेश्चन, सही है? एंड देन सॉरी, अब हम हमारे पास आंसर में दो ऑप्शन है, तो बूल यूज कर सकते हैं, सही है? बूल आंसर, क्लियर? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया, क्लियर है? अब इसका हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बनाना है, फर्स्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर तो आपको पता है ना, तो कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, स्ट्रिंग अंडरस्कोर क्वेश्चन मैं कर देता हूँ उसको, सही है? एंड बूल अंडरस्कोर आंसर कर देता हूँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट क्वेश्चन इक्वल टू अंडरस्कोर क्वेश्चन, जो हम वहां से सेंड कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर में जो हम पास कर रहे हैं, सही है? एंड दिस डॉट आंसर,
इक्वल्स टू अंडरस्कोर आंसर। तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और मोस्टली आप जावा में भी इस तरह करते हैं, सी प्लस में भी इस तरह करते हैं, सही है। जबकि अब ये एक लेंथी प्रोसेस है, तो डार्ट हमें ये एक ऑप्शनल डार्ट हमें एक आप इस तरह भी कर सकते हैं जो हमने किया हुआ है, सही है। अगर आपको ये बेहतर लगता है तो आप इस तरह करें, बट डॉट हमें एक शॉर्ट मेथड प्रोवाइड करते हैं कि आपने किस तरह कंस्ट्रक्टर बनाना है, सही है। क्वेश्चन एंड दिस डॉट क्वेश्चन एंड दिस डॉट आंसर। अब मैंने जो पहले सेंटेंस लिखा था और ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, दोनों का एग्जैक्ट सेम मतलब है, बट ये शॉर्टकट है, सही है, क्लियर। तो कौन से वाला बेहतर है? जो शॉर्ट है, सही है, जो शॉर्ट है वो बेहतर है, सही है, समझने में भी आसान है, सही। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर भी बता दें कि आप किस तरह कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और इस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं, ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जानते हैं ना, हाँ, या रिपीट करानी पड़ेगी। तो मतलब जो नाम है उसका, इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं यहाँ पर, सही है। अच्छा, और लैंग्वेज में आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये वाला होता है मोस्टली, सही है। जब फिर वैल्यूज देते हैं तो आपका फिर वो, चलिए उसको डिस्कस नहीं करते हैं, बट एनी हाउ दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन डार्ट, सही है। इसके हम और कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, बट वो हम एक और तरीके से बनाते हैं, सही है। जो दूसरे लैंग्वेजेस में जावा में आपकी ये पैरामीटर डिफरेंट होता है, जो दूसरे का मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अगर आप बनाते हैं उसमें आपके पास जो अंदर हम वैल्यूज दे रहे हैं ना, तो वो डिफरेंट आते हैं उसमें, या तो टाइप डिफरेंट होता है या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होता है, तो हमारे पास डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स बन जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर, चले उसको डिस्कस नहीं करते राइट नाउ, वो किसी और पॉइंट पर जाकर डिस्कस करेंगे। सो आप यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं होम स्क्रीन पर, यहाँ पे हम एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट। अब हमारे पास यहाँ पे अरेज की बात आ जाती है, सही है। अब अरे हमारे पास क्या है, अरेज तो आप लोगों ने पढ़ा कि अरेज हमारे पास क्या होता है, सही है। अरे का कोई भी टाइप हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो उसका कोई क्लास का भी अरे हो सकता है, सही है। मतलब हमने क्वेश्चन का बना दिया ना, तो क्वेश्चन का भी अरे हो सकता है, सही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरे ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे, सही है। बट यहाँ पर अरे को हम अरे का नाम नहीं देते, यहाँ पे हम उसको लिस्ट बोलते हैं, डार्ट में उसको हम लिस्ट बोलते हैं। अगर स्टार्ट में मैंने एक असाइनमेंट पोस्ट किया था, और आई एम होपफुल कि आप में से किसी ने भी नहीं देखा, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोगों ने मेरे मुश्किल में से किसी, अगर देखा भी है तो लेट देखा होगा, सही है। बहाने बहुत सारे हैं, उसकी कुछ बात नहीं है, बहानों की कमी नहीं है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है बहुत सारे बहाने होते हैं, तो उसका मसला नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, बट एनी हाउ नहीं देखा किसी ने भी मेरे ख्याल में, सही है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लें, आपका बहुत काम आएगा, सही है। मुझे तो ऑलरेडी आते हैं सारा कुछ, मैं अगर आप लोग उसको सबमिट करें ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। मैं ऑलरेडी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें सारी याद है। तो एनी हाउ आप लोग के फायदे के लिए मैं पोस्ट करता हूँ, अपनी एफर्ट करता हूँ, अगर मैं अपनी एफर्ट करता हूँ तो आप लोग मेरी एफर्ट को ज़ाया ना करें। तो मैं जो असाइनमेंट पोस्ट करता हूँ, आप कोशिश करें कि उसको सबमिट करें, टाइम पर सबमिट करें, सही है। क्योंकि अभी जो मैं चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो सारी वहाँ से यूज़ हो रही है, सही है। अगर आप लोगों ने वहाँ पे उस चीज़ को एक नज़र देखे हुए कम अज़ कम, तो यहाँ पे जब मैं डिस्कस करूँगा तो आपको याद हो जाएगा कम्प्लीटली, फिर आपको उसमें कोई मसला नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने देखा नहीं है असाइनमेंट, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आपको बाज़ जगहों पर समझ आएगी, बाज़ जगहों पर आपको समझ नहीं आएगी, तो पूरा सेशन की आपको मतलब वो कम्प्लीटली समझ नहीं आती, सही है। तो बेहतर तरीका ये है कि जो मैं पोस्ट करूँ आप पहले से देखें उसको। सो यहाँ पर हमने बनाना है एक लिस्ट, सही है, और उसको मैं क्या नाम दूंगा, क्वेश्चंस, सही है। और इसको मैं, ये हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट मैंने बना दिया है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है, इसका मैंने कोई टाइप नहीं दिया, सही है। टाइप इसको मैंने कोई भी नहीं दिया, और डार्ट में आप कर सकते हैं, अगर कोई टाइप ना दें तो ऑटोमेटिकली आप उसको जो वैल्यू पास करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू से अपना टाइप खुद ऑटोमेटिकली खुद लेगा, हाँ, सही है। अब इसका जो टाइप है ना, ये डायनेमिक है, इसको हम डायनेमिक बोलते हैं। इसका टाइप हमारे पास क्या है, डायनेमिक है, कोई भी टाइप है। अगर आप इसको टाइप देना चाहें आप इसको टाइप दे सकते हैं, और बेहतर तरीका ये है कि आप जहाँ पर टाइप दे सकते हैं आप टाइप दें वहाँ पर, सही है, ये बेहतर। ये इसमें ये होता है कि आपके पास गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, सही है। आप जब टाइप देंगे उसको अलग ये डिफरेंट टाइप की वैल्यू पास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे जो
लिंटर है। लिंटर मतलब आपको जहां यहाँ पे जो रन टाइम पे एरर्स का बता रहा होता है, सही है। तो वो आपको बताएगा कि आप भला टाइप पास कर रहे हो, ये टाइप नहीं ले रहा, सही है। और डायनेमिक है, और एक्चुअली आप उसको यूज कोई और टाइप कर रहे हैं वहां पे, और आप उसको कोई और टाइप पास कर रहे हैं, तो आपको लिंटर यहाँ पे एरर नहीं देगा, आपका जो आईडी आपको एरर नहीं देगा, बट जबकि आप उसको रन टाइम पर आपको मस्त आएंगे, रन टाइम में आपको एरर आएगा। तो जहाँ पे आप टाइप दे सकते हैं आप टाइप दे, तो यहाँ पर मैं इसको टाइप दे सकता हूँ यहाँ पर, सही है। टेम्पलेट्स तो पढ़े ना आप लोगों ने सीन है, तो यही सेम वो टेम्पलेट्स वाला सीन है। तो क्वेश्चन मैंने उसको टाइप दे दिया है, सही है। तो टेम्पलेट्स में हमारे पास अगर हम उसको टाइप ना भी दे तो भी हम यूज कर सकते हैं, सही है ना। तो मतलब वो डायनेमिक आ रहा था स्टार्ट में, और आप उसको स्पेसिफिकली टाइप देना चाहें तो आप उसको टाइप दे भी सकते हैं। तो इसको मैंने टाइप दे दिया है, इसको मैंने एम्प्टी एरे रखा हुआ है, सही है। एम्प्टी एरे रखने के लिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ इसको मैं क्वेश्चंस के ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, क्वेश्चन, सही है। अब ये क्वेश्चन का कंस्ट्रक्टर है ना, अब इसको मैं दो वैल्यूज पास करती हूँ, एक क्वेश्चन है तो एक उसका आंसर है, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दिस इज जस्ट टेस्ट क्वेश्चन, सही है। उसके बाद आंसर है, तो आंसर मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं सपोज ट्रू कर देता हूँ, इसका आंसर मैंने क्या कर दिया ट्रू, string the question and then its answer. Okay. So ये मैंने क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और ये अरे को पास कर दिया, मतलब अरे का साइज हमारे पास एक क्वेश्चन है, सही, अरे का साइज वन है, सही। सो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली पोजिशनल आर्गुमेंट्स पास किए हुए हैं। यहाँ पर एक और चीज समझने की है, जो हम टाइप सॉरी जब हम किसी कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करते हैं, किसी फंक्शन को वैल्यू पास करते हैं, सही है। जिस तरह हमारे पास, अगर आप लोगों ने सी में, सी प्लस प्लस में पढ़ी हो, वो पास बाय वैल्यू एंड पास बाय एड्रेस होता है, सही है। चले हम बस छोड़ दें उसको, उसको डिस्कस नहीं करते। एनी हाउ यहाँ पर हम दो तरह के उसको आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं, एक हमारे पास पोजिशनल है। पोजिशनल में ये होता है कि लेट्स सपोज हम यहाँ पर ये क्वेश्चन में देखें, स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, तब इसको यहाँ पर स्टार्ट में क्वेश्चन पास करेंगे, सही है, एंड उसके बाद उसका आंसर है, आप बाद में उसका आंसर पास करेंगे तब, सही है। तो जो पोजीशन वहाँ पे है आपने सेम पोजीशन यहाँ पे भी फॉलो करनी है, सही है। एक और तरीका हमारे पास ये है, उसको हम नेम पैरामीटर्स बोलते हैं। ये आप ये कर्ली ब्रेसेस लगा दें यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसको वही पोजीशन पास नहीं करेंगे, उसको बाय नेम पास करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि आप उसका आंसर पहले पास कर दें, तो आंसर और आंसर में उसका टू पास कर दें, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन में आप उसको फोर क्वेश्चन पास कर दें। क्लियर, समझ आ गई ये इसकी। तो ये हमारे पास वो पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं, सही है। अब यहाँ पर देख लें स्केफोल्ड में, तो यहाँ पर सेम एग्जैक्टली यही सीन है, ये देखें, ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं हमारे पास जो हम पास कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की, सही है। तब अभी आपको चीज़ों की थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाएगी, हम किस तरह चीज़ें पास करते हैं, सही है। ये हमारे पास बॉडी एरिया है, तो बॉडी एरिया में हमारे पास वहाँ पे एक पोजिशनल आर्गुमेंट, पोजिशनल नहीं नेम्ड आर्गुमेंट है, और नेम आर्गुमेंट में हम यहाँ से वैल्यू पास करते हैं, सही है। सो आई होप सो कि इट्स क्लियर एज वेल। तो बेहतर ऑप्शन ये कि आप पोजिशनल पास करें, सही है। अब पोजिशन में ये हमारे पास ये है ना कि आप इसको पास भी नहीं करें तब भी आपको एरर नहीं देगा, सही है। ये हमारे पास में ये इसको हम ऑप्शनल आर्गुमेंट भी बोलते हैं, ये ऑप्शनल है, अब अगर पास करें तो उसको वैल्यू आ जाएगी, अगर पास नहीं करेंगे उसको उसमें वैल्यू नहीं आएगी, सही है। अब हम एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि हमने इसको वैल्यूज पास करनी है खाम खा, सही है, कि ये एम्प्टी ना आए, तो आप क्या करें, इसको एड रिक्वायर्ड कर दें, एड रिक्वायर्ड कर दें, एंड इसको भी एड रिक्वायर्ड कर दें, सही है। ओ ऊपर से यहाँ पे इंपोर्ट करना था, अभी सही है। अब ये यहाँ पर देखें, अब मैंने आंसर पास नहीं किया इसको, ये देखें ये येलो आ रहा है, ये क्या अब मुझे बताएगा कि द पिरामिड आंसर इज
रिक्वायर्ड, सही है। तब यहाँ पर फिर आपको लेंडर बताएगा कि ये असल में ये चीज रिक्वायर्ड है, आप इसको वहां पे पास कर रहे हैं, सही है। इसको मैं करता हूँ आंसर में टू पास करता हूँ। हाँ हाँ फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शनल भी है, आप पासना भी करें तो कभी मसला नहीं है, सही है। अच्छा इसमें एक और भी ऑप्शन है हमारे पास, अब इसको तो हमने रिक्वायर्ड किया हुआ है, सही है। अब इसको रिक्वायर्ड करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं करता राइट नाउ, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हम डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई इसमें वैल्यू पास ना करें तो आपने इसको कौन सी वैल्यू देनी है, और ये हमारे पास जो ये ऑप्शन हमारे पास सी प्लस प्लस में भी है डिफॉल्ट वैल्यूज की, और हमारे पास जावा में भी है, सही है। आप कंस्ट्रक्टर में आप उसको डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं, सही है। तो उसको हम डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज करता हूँ क्वेश्चन, तो अगर मैं वहां से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और इसको मैं क्वेश्चन पास नहीं करूंगा तो इसको क्वेश्चन में क्या आएगा, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने जस्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन इसमें आएगा, सही है। अगर मैं यहाँ से डिफॉल्ट वैल्यूज को अगर देना चाहूँ तो इसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू बाई डिफॉल्ट इसको मैं फॉल्स दे सकता हूँ, बाई डिफॉल्ट इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। नहीं ये चीज़ अब आपको बतानी है, अगर आप यहाँ से इसको पास नहीं करेंगे तो फॉल्स आएगा, सही है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करता हूँ, पास करता हूँ यहाँ से आंसर आंसर ट्रू पास करता हूँ तो आप उसका आंसर वहां पे ट्रू आएगा, अब इसका आंसर ट्रू होगा। हाँ नहीं बाकी सब नहीं, अब आपको मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, उसको ना मैंने क्वेश्चन पास किया है और मैंने उसको आंसर पास किया है, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, उसका क्वेश्चन ये क्वेश्चन होगा, उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, सही है। हाँ यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन पास करता हूँ, क्वेश्चन वन, तो अब वहां पे उसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन वन होगा और आंसर उसका फॉल्स होगा। और अगर यहां से मैं पास करता हूँ आंसर भी, आंसर में टू पास करता हूँ तो उसका आंसर भी वहां पे क्या हो जाएगा, उसका आंसर भी वहां पे ट्रू हो जाएगा। अब भाई आई होप सो के भी क्लियर है। सो दिस इज द फीचर ऑफ डार्ट, सही है, क्योंकि हमने डिटेल में देखे। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखते तो आप वो पहले से समझ आ जानी चाहिए थी, बड़ा नहीं हाउ ये क्लियर हो गया है। सो अगर ये चीज़ क्लियर है, हमारे पास क्वेश्चन भी आ गए हैं उसके हमने आंसर भी, तभी यहाँ पर हमने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाने हैं, सही है, और उसी को फिर हमने नीचे यूज़ करना है फंक्शनलिटीज में। तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी है, उसी को हम दोबारा से यूज़ करते हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है और थैंक्स टू ऐप ब्रीवरी, उनके ही सारे क्वेश्चन हैं तो वही से मैंने भी उठाए हुए हैं, सही है। अब इसमें असल में ये पोजिशनल आर्गूमेंट्स नहीं है, ये असल में इसमें पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं सारे, सही है। तो उसको भी मैं पोजिशनल कर दूंगा ताकि मैं यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल दूँ, सही है। तो इसको मैं नेम्ड आर्गूमेंट से हटा के इसको मैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स कर दूंगा, क्लियर। तभी हमारे पास पोजिशनल आर्गूमेंट्स दोबारा से हो गए, सही है। पोजिशनल आर्गूमेंट में आप बाई डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं दे सकते, सही है। अच्छा इसमें एक और भी ऑप्शन है लेकिन अभी उसको डिस्कस नहीं करते हैं। अब इसमें पोजिशनल आर्गूमेंट्स भी डाल सकते हैं, इसमें नेम्ड आर्गूमेंट्स भी डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे पास पोजिशनल हो तो इसको ब्रेसेस के अंदर डालना, और ये आपके पास क्या होगा, हाँ नेम्ड हो जाएगा। इस तरह भी पॉसिबल है, बट अब यहाँ पे सेंटेक्स मेरे में एग्जैक्ट नहीं है, बट ये पॉसिबल है, सही है। चलिए इसको डिटेल में नहीं जाते, जब आपने डिटेल देखना है तो आप खुद देख लें, एक नज़र डॉक्यूमेंटेशन में है। सो एनी हाउ इसको हमने पोजिशनल कर दिया है, एंड यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं राइट नाउ यहाँ से, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन सारे मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल दूंगा, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने ऐप ब्रीवी एक वो है वहाँ से उठाए, उन्होंने बनाए थे तो मैं एग्जैक्टली वो यूज़ कर लेता हूँ, सही है। अपने बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप अपने बना लें, सही है, जो कि मुझे लगता है कि आपके पास भी टाइम नहीं है, बहुत बिजी लोग हैं। सो अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आ गए क्वेश्चन में,
क्लियर, यहां तक क्लियर है। अभी जो नेक्स्ट है वो ये है कि यहाँ पर हमने एक काउंटर बनाना है ताकि हमें पता चले कि राइट नाउ कौन सा क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एंड काउंट इक्वल्स टू जीरो, जीरो से मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, अभी ये इसके बजाय यहाँ पे मैं क्या दूंगा, वो जो ऊपर क्वेश्चन है उसका मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट उठा लूंगा, सही है। क्वेश्चंस और क्वेश्चन में जीरो, जीरो जीरो नहीं, काउंट, सही है। ये मेरे पास वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा और डॉट उसका क्वेश्चन, ये क्लियर है। अब मैं सेव करता हूं, सम किड्स आर एक्चुअली एलर्जिक टू ह्यूमंस, आपको वो ज्यादा पता होगा, सही है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, सही है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैं ट्रू फॉल्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास वो चेक करें आंसर ट्रू था या फॉल्स था, उसके बेसिस पे यहाँ पे टेक एंड क्रॉस लगाए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने आना है यहाँ पर ट्रू बटन एंड फॉल्स बटन में, सही है। अब यहां पर जब हम क्लिक करेंगे यहां पर हम हमारा भी वो आंसर चेक करने का लॉजिक होगा, सही है। अगर ये कौन सा बटन है, ट्रू बटन है ना, तो इस पर जब क्लिक होगा तो मतलब बंदे ने ट्रू ट्रू का ऑप्शन चूज किया है, सही है। अगर फॉल्स पे क्लिक करेगा तो मतलब उसने फॉल्स का ऑप्शन चूज किया है। तो हम यहां पर क्या चेक करेंगे, एफ क्वेश्चन ऑफ काउंट, राइट नाउ जो काउंट चल रहा है उसका जो आंसर है वो इक्वल्स टू ट्रू है, तो मतलब उसने आंसर ठीक था, करेक्ट आंसर, सही है, एल्स इनकरेक्ट, इसकी समझ आ गई है। तो इसके अलावा कैसे बनाएंगे, चेक कैसे करेंगे, इसी जैसे ही चेक करना है। अगर आपके पास कोई और लॉजिक है तो आप वो लॉजिक लगा दें, मेरे में तो राइट नाउ यही लॉजिक आ रहा है, सही है। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस क्वेश्चन में तो राइट नाउ जो क्वेश्चन चल रहा है जो यहाँ पे हमें मिल रहा था, सही है, उसका आंसर अगर हमारे पास ट्रू हो तो मतलब उसने ट्रू आंसर किया है, यहाँ पे हमने ट्रू चूज किया है ना, तो मतलब उसका आंसर सही है, अदरवाइज उसका आंसर गलत है। और इसी को कॉपी पेस्ट करके हम वो दूसरे में भी यूज करेंगे, फॉल्स में भी यूज करेंगे, सही है। तो अगर उसका आंसर ठीक था तो हमने क्या करना है, अगर उसका आंसर करेक्ट था, सही है, तो हमने क्या करना है, हमने नीचे एक टिक लगा देना है, सही है। नीचे हमारे पास ये जो रो आ रहा है ना, यहाँ पर हमने एक टिक ऐड कर देना है, सही है। अगर उसका आंसर गलत है, इनकरेक्ट है, तो हमने यहाँ पे जस्ट एक क्रॉस ऐड कर देना है, यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, क्रॉस ऐड कर देंगे, सही है। तो यहाँ पर हमने टू डू में क्या करना है, एड टिक, सही है। एंड यहाँ पर हमने क्या करना है, एड क्रॉस, सही है। सो यहां तक क्लियर है, सही है। और सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है कहां पर, ये फॉल्स का बटन, ये फॉल्स का बटन है, यहां पर भी हमने यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बट यहां पर हमने आंसर चेक करना है फॉल्स के साथ। हाँ, अगर आंसर भी फॉल्स है तो मतलब इसने फॉल्स चूज किया है ना, तो मतलब उसने सही आंसर किया, अदरवाइज उसने गलत आंसर किया है, क्लियर। अब बाकी लॉजिक हमारा यहां पर होगा। तो मतलब ये जो टिक एंड क्रॉस है हमने डायनेमिकली ऐड करना है, सही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो है यहां पर अब ऊपर हम एक लिस्ट बना देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये जो टिक एंड क्रॉस आइकन है ना, इसको हम ऊपर डिफाइन करते हैं एंड देन उसके बाद हम आगे जाते हैं, सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहां पर मैं कर देता हूँ फाइनल टिक,
सही है। अब इसको मैंने टाइप नहीं दिया, ये टाइप ऑटोमेटिकली खुद लेगा, सही है। एंड अगेन यहां से मैं ये भी उठा लूंगा, इसको मैं ऊपर डिफाइन कर लूंगा ना, सही है। इसको मैं करता हूँ फाइनल क्रॉस, सही है। अब मैंने इसको फाइनल क्यों किया, फाइनल मैंने इस वजह से किया है कि उसको बाद में हम चेंज नहीं कर रहे ना, तो इसको हमने फाइनल कर दिया। और यहां पर ये जो लिस्ट है, लिस्ट यहां पर हम क्या देंगे अभी, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहां पर एक लिस्ट बना लेंगे, दूसरी लिस्ट, सही है। इसको हम राइट नाउ टाइप नहीं देते हैं, सही है। टाइप हमें राइट नाउ करनी, उसका टाइप आइकन है बट उसको फटाफट टाइमिंग नहीं देता, आइकन। एंड उसको कर देंगे टिक क्रॉस आइकन्स, सही है। या उसको चलो हम आंसर्स कर लेते हैं, या टिक क्रॉस आइकन्स कर लेते हैं, चलिए समझने की बात है, बाकी आप लोगों की मर्जी को यूज करना चाहें। टिक क्रॉस आइकन्स, तो ठीक है, क्रॉस आइटम में हमारे पास क्या होगी, एक एम्प्टी लिस्ट होगी, सही है। ये हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है इसमें राइट नाउ, सही है। और यहां पर मैं क्या करता हूँ, यहां पर मैं यही टेक एंड क्रॉस आइटम ऐड कर देता हूँ, सही है। अभी हमारे पास चिल्ड्रन है ना, तो चिल्ड्रन में ये क्या लेगा, इसको चाहिए एक लिस्ट ऑफ विजिट्स, सही है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, बट ये लिस्ट हमारे पास डायनेमिक है, ये देखें ये लिस्ट हमारे पास डायनेमिक है, टाइप इसको क्या आ रहा है, डायनेमिक, जबकि ये लिस्ट क्या ले रहा है, जबकि इसको एक लिस्ट चाहिए विजिट्स की, सही है। तो इसका टाइप हम क्या कर देंगे, इसका टाइप हम विजिट कर देंगे, सही है। बाद में ये इशू करेगा अगर इस तरह नहीं करते, सही है। दोनों की टाइप सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ विजिट ले रहा है, तो आपने लिस्ट ऑफ विजिट ही उसको पास करना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हमारे पास आंसर टिक है तो हमें क्या ऐड करना था, टिक ऐड करना था ना, तो हम क्या करेंगे, टिक एंड क्रॉस आइकन्स जो है, टिक क्रॉस आइकन्स डॉट ऐड, मतलब हमारे पास लिस्ट है ना, लिस्ट में हम डायनेमिकली वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, तो यहां पर हम क्या ऐड करेंगे इसमें, टिक, क्लियर है। गूगल ने बनाया हूँ मटेरियल और कुबजीनो, वो अलग बात है, वो इसमें नहीं आ रहा कुछ भी। तो जैसे हमने यहाँ पे टिक ऐड किया है, सही है, और हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, क्रॉस ऐड करेंगे, सही है। So I hope so this thing is clear as well. So right now हम सेव करेंगे, तो यहाँ पे राइट नाउ मेरे पास कोई भी आइकन नहीं आ रहा, क्योंकि इनिशियली वो जीरो है, सही है। जब हम ये चेक करेंगे फिर हमारे पास आएंगे, बट राइट नाउ हम चेक तो कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, और उसकी एक वजह है, अभी एंड में मैं आपको बताऊंगा, सही है। सो हमने ये और ये सेम काम हमने यहाँ पर भी करना है, सही है, क्लियर। अगर उसका आंसर करेक्ट है तो हमने टिक ऐड करना है, और अगर उसका आंसर फॉल्स है तो हमने क्रॉस ऐड करना है, सही है। अच्छा, टिक एंड क्रॉस के बाद जब हम आंसर चेक कर लें कि आंसर सही था गलत था, टिक क्रॉस हमने ऐड कर दिया है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, काउंट को इंक्रीमेंट करना, सही है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करवाएंगे, सही है। तो यहां पर भी मैंने काउंट प्लस प्लस कर दिया है, एंड यहां पर भी करते हैं काउंट प्लस प्लस, सही है। और यहां पे मैं क्या करता हूं, प्रिंट अपडेटेड वैल्यू ऑफ काउंट इज डॉलर काउंट, जस्ट मैं चेक लगा रहा हूं कि मुझे यहां से पता चले कि अपडेटेड वैल्यू की क्या रही है, क्लियर है। यहां तक चीजें मेरे ख्याल में क्लियर है, सही। अब देखते हैं यहां पर, अब देखें वो काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है, जबकि ना हम ना हमारे पास ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ना हमारे पास नीचे टेक एंड क्रॉस के आइकन जा रहा है, सही है। और उसकी एक वजह यह है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये स्टेटलेस विजेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे,
इसको स्टेटफुल कर देंगे, सही है। स्टेटफुल कर दिया है, फिर हम स्टेटफुल कर दिया है, तब हम देखते हैं, तब हमारे पास अब देखते हैं कि आता है या नहीं आता। अभी भी चेंज नहीं हो रहा, और उसकी वजह ये है कि हमारा ये बिल्ड का फंक्शन दोबारा दोबारा से कॉल नहीं हो रहा। उसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, कल मैंने डिस्कस किया था, सेट स्टेट कॉल करेंगे यहाँ से। आप देखें, अच्छा अब इसमें एक और भी मसला है छोटा सा। अब जब ये टेक्स्ट देखें, ये बिल्कुल लेफ्ट अलाइन आ रहा है, सही है, जबकि डिजाइन में हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास सेंटर अलाइन आ रहा है, सही है। तो इसको हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एंड यहाँ पर ये टेक्स्ट है ना, इसकी हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन, और इसको टेक्स्ट अलाइन नहीं, ये तो वर्टिकल कर रहे हैं उसको सेंटर में, बट ये नहीं है, ये क्या लेगा, एक्स अलाइन ही लेगा, सही है। देखें सेंटर में हो गया। सो यहां तक हमारा ये एप्लीकेशन हो गया रेडी। तो यहां से आप अपने इसमें सारे टू एड हो रहे हैं, अब इसमें एक मसला आ रहा है, इनमें हाँ कल भी इस तरह नहीं था, ये तो सब में आता है, सेम स्क्रीन आती है जब आपको मसला होता है। चलिए हम देखते हैं अब इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ट्रू है। अब इसका आंसर फाल्स था, तो लेकिन जब हमने ट्रू सेलेक्ट किया है, ये देखें अभी सब के आंसर असल में ट्रू आ रहे थे, तो इस वजह से वो टेक एंड क्रॉस आ रहा है। आप क्रॉस चेक करके इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक एप्लीकेशन। अब इसमें एक मसला है एंड में, अब ये देखें, ये यहाँ पे मसला आ गया, असल में अरे का साइज कितना है, अरे का साइज हमारे पास 12 है मेरे ख्याल में, आउट ऑफ रेंज हम जा रहे हैं। काउंट पे हमने कोई काउंट प्लस प्लस तो कर रहे हैं, और उसमें हमने ये चेक नहीं लगाया कि जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है उसकी साइज कितनी है, सही है। तो ये चेक आप लोग मेरे हाल में खुद लगा दें, सही है, कर लेंगे। चले मैं करता हूँ, आप लोग उसको खुद समझना, उसको मैं समझाता नहीं हूँ, मुझे पता अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग के लॉजिक कितने कितने स्ट्रांग है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस प्लस मॉड क्वेश्चंस डॉट लेंथ, ये भी ये मसला नहीं आएगा आपको मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं आएगा। इसको रिस्टार्ट करते हैं, अच्छा वो अपडेट नहीं हो रहा, एक मिनट, नहीं वो क्वेश्चन अपडेट नहीं हो रहा, शायद मैंने गलत किया। अच्छा काउंट प्लस प्लस मॉडुलस डॉट लेंथ मोड मोड से क्या आएगा, मतलब इस तरह काम तो करना चाहिए, एक मिनट, अपडेटेड वैल्यू स्ट्रिक जीरो, दूसरा आप नहीं, आप जस्ट चेक लगा दें, आप ये चेक लगा दें। अब इस तरह एक होता है, अब मेरे जैसे एग्जैक्ट आई थिंक इसमें कोई मसला किया है, इस वजह से नहीं हो रहा, बट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन पे चेक लगा देना कि एफ ऑफ काउंट इज ग्रेटर देन
question dot length, सही है। अगर वो लेंथ को क्रॉस कर रहा है तो आप क्या करें, उसको दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं आप, मतलब दोबारा उसको जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ये चेक लगा सकते हैं कि आपके जब मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाए सारे, आप उसको यहाँ पे एक पॉपअप शो करें, सही है। तो वो भी पॉसिबल है, सही है, बट वो मैं नहीं करता, वो आप लोगों का टास्क हो जाएगा, वो आप लोग खुद कर रहे हैं, सही है। एक सिंपल सा चेक यहाँ पे लगाना है, सही है, तो यहां तक हमारा ये एप्लीकेशन हो गया रेडी, सही है। आउट ऑफ रेंज, सही है, खुद कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे, सही है, ट्राई कर दें, ट्राई कर लेना हुआ तो देख लेंगे, सही है। तो यहां तक हमारा ये एप्लीकेशन हो गया रेडी, क्लियर। अब हमने करना है क्या, अब हमने लेना है एक छोटा सा ब्रेक एंड देन वी स्टार्ट अगेन। सो यहां तक अगर किसी के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बताएं, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, उसको हम एक नजर देखते हैं। ओके सो क्लियर है, ओके। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो बताएं, अगर किसी की क्वेश्चन है, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके भी क्वेश्चन है तो वही बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम ये सेशन एंड करते हैं एंड देन वी स्टार्ट अगेन विद द न्यू सेशन, सही है। काउंटर की समझ नहीं आई आपको, क्या मतलब ये नहीं, वो मैंने रिमूव कर दिया राइट नाउ, सही है, वो आप खुद देख लें, सही है, आप किस तरह करना है उसको। जस्ट आपने ये चेक लगाना है कि जो अगर हम हमारे पास जो काउंटर की वैल्यू है, अगर वो साइज को ज्यादा, उसका साइज ज्यादा आ रहा है उससे, मतलब जो क्वेश्चन के जो लिस्ट का साइज है उसको क्रॉस कर रहा है, तो मतलब वो आउट ऑफ रेंज आ रहा है ना, तो उस पर आपने चेक लगाना है। जस्ट दोबारा आप स्टार्ट से जीरो से स्टार्ट करते हैं, या आप यहाँ पे उसको पॉपअप शो करते हैं, आपकी मर्जी है, मतलब आप रीसेट करते हैं पूरे उसको, सही है, वो आपकी मर्जी है। सो दैट्स द सेशन वी हैव सर।